मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र किसान और खेत विरोधी है। ये बात किसान और किसान कल्याण विभाग पर चर्चा में साबित हुई और आज उसकी ढोल की पोल पूरी तरह से खुल गई। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंडसौर में किसान के खून से होली खेलने का है, दुर्भाग्य यह है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। लंबी बातें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा और मेरे आदरणीय साथी संजय सिंह जी बताएंगे। केवल तीन पहलुओं को एक एक लाइन में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मोदी सरकार ने सदन में ये कहा कि लागत पर 50% मुनाफा वो देंगे, ये उनका सिद्धांत है और उन्होंने इससे कभी गुरेज नहीं किया। आज जब हमने मोदी सरकार का ये शपथ पत्र जिसकी तारीख है 6 फरवरी 2015 देश की सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने ये शपथ पत्र जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूँ, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता, तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? दूसरा, किसान के बारे में ये कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग, जिसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया, पर मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को इसी शपथ पत्र में बताया कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 175 जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू कर दी थी। तो सत्य क्या है या असत्य क्या है? या तो ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलते हैं या फिर ये सदन के अंदर और देश को गुमराह करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष को श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वॉकआउट करना पड़ा, वो दर्शाता है कि इस सरकार का चाल चेहरा और चरित्र, इस सरकार का मुखौटा ही खलनायक का है। ये ऐसे खलनायक हैं जो मुखौटा तो नायक का ओढ़ते हैं पर जो असल काम करते हैं वो खलनायक वाला करते हैं, और ये बात साबित भी हो गई। इसलिए हमने ये भी सरकार से पूछा कि क्या आपने किसी फसल का भी MSP दिया, तो वो कहते हैं किसान को MSP की आवश्यकता ही नहीं है। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर पड़े रहे, करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून लाओ। अगर MSP की ज़रूरत ही नहीं, अगर हमारी जिन्स, हमारी फसल MSP से ज़्यादा बिकती है तो फिर MSP की ज़रूरत क्या थी? पर ये हमने जब साबित किया इनके आंकड़ों, जवाबों और तथ्यों के साथ कि आज तक कभी भी मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की आधी, गेहूं की 22% और बाकी 23 फसलों में से 21 फसलों में कोई फसल 5% से ज़्यादा MSP पर नहीं खरीदी। जब इतना बड़ा सत्य देश के सामने सदन के पटल पर आया, वो भी इन्हीं के जवाब के आधार पर, तो अब देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मोदी सरकार कहती है किसान को MSP देने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका रास्ता किसान विरोधी है, क्योंकि अब तो डिक्लेयर कर दिया कि किसान को MSP की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक किसान की फसल MSP से ज़्यादा मिलती है। भैया, अगर MSP से ज़्यादा मिलती तो करोड़ों किसान आंदोलनरत क्यों होते और वो MSP की गारंटी का कानून क्यों मानते?